स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी असम। आंसर बी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन: ममता बनर्जी की सरकार ने आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल को पारित कर दिया। ये बिल भारतीय न्याय संहिता BNS में कुछ प्रावधानों को संशोधित करता है और बलात्कार तथा बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में दंड को और कठोर बनाता है। विधेयक में रेप के दोषियों की सजा साबित होने पर 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। इसके तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगला प्रश्न। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी इंग्लैंड। आंसर डी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन: ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून आरक्षित दिन के रूप में उपलब्ध होगा। ये पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र 2019 और 2021 के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ए निशानेबाजी, बी जेवलिन थ्रो, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। आंसर बी जेवलिन थ्रो। एक्सप्लेनेशन: पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रो सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 फाइनल इवेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 70.59 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना मेडल बरकरार भी रख लिया। अगला प्रश्न। नितेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए टेबल टेनिस, बी तीरंदाजी, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। आंसर सी बैडमिंटन। एक्सप्लेनेशन: भारत के नितेश कुमार ने 2 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 29 वर्षीय भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने खिताब जीतने में 1 घंटे और 20 मिनट का समय लिया, जिससे SL3 वर्ग स्पर्धा में भारत का दूसरा लगातार स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। अगला प्रश्न। 2024 में 133वां इंडियन ऑल डूरंड कप फुटबॉल किस टीम ने जीता? ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, बी मोहन बागान सुपर जॉइंट, सी केरला ब्लास्टर्स FC, डी बेंगलुरु FC। आंसर ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। एक्सप्लेनेशन: नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 31 अगस्त 2024 को पेनल्टी पर गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जॉइंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 133वां इंडियन ऑल डूरंड कप जीता। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ये टूर्नामेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में नागरिक टीमों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई।